Today I'll discuss about the condition of equilibrium in statics. Condition of equilibrium in statics. तो यहाँ पर condition जो है equilibrium का क्या क्या होना चाहिए. पहला जो condition है, पहला condition है कि यदि क्या हो force. First condition जो है if forces are coplanar concurrent. Coplanar concurrent, right? Na hai. If the forces are coplanar concurrent system, coplanar concurrent force system, यानी कि फोर्स जो है वो क्या है, एक जो फोर्सेस आर कोप्लेनर कंकरेंट, ठीक है, नहीं भी लिख सकते द फोर्स, एक भी फोर्सेस आर कोप्लेनर कंकरेंट. तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए इसका जो है कि क्या है, कोप्लेनर है यानी कि एक प्लेन में है फोर्स और वाई है, ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, ठीक है. अब देखिए यहाँ पर से क्या करते हैं, कोई फोर्स मान लीजिए इस तरह से है और कंकरेंट फोर्स सिस्टम, या एक फोर्स इधर ही है, मान लीजिए एफ वन है, एफ टू है, एफ थ्री है, ठीक है, और मान लीजिए कि बहुत सा फोर्स ये लगा हुआ है एफ फोर है. यदि इसका देखिए ये तो इसका तो एंगल क्या है, जीरो है, क्योंकि ये अलोंग द वाई एक्स एक्सिस पे कब कर रहा है, ये मान लीजिए ये थीटा क्या है, टू एंगल है, थीटा वन जीरो है, और ये एंगल इससे जो है यहाँ पर से देखिए ये सपोज कीजिए वाई एक्सिस के साथ में, या आप जो भी लिखिए उस जिस एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है तो उसके साथ में क्या रहता है, कॉस का कंपोनेंट होता है. तो ये मान लीजिए थीटा थ्री है, ये क्या है, मान लीजिए यहाँ पर से, या इसको आप थीटा थ्री यदि एक्स को मानते हैं तो ये थीटा थ्री मान लीजिए, और ये हो गया आपका थीटा फोर एंगल हो गया, सपोज कीजिए. तो इसमें कहने का मतलब है एक प्लेन में है, कंकरेंट फोर्स है, तो इसका जो कंडीशन होगा, सबसे पहले तो जितना भी फोर्स है सबको रिजॉल्व कर देंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग यहां पर से कि रिजॉल्व ऑल द गिवन फोर्सेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इसको क्या करेंगे रिजॉल्व कर देंगे. तब क्या करेंगे, तब इसका कंडीशंस जो हो गया दूसरा कि इसमें से क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ एक्स, जितना भी एक्स कंपोनेंट होगा यदि सबको एड कर देंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होना चाहिए. और ये जो है यहाँ पर से मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, यदि कहेंगे एफ और जो है वाई कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए. यही कंडीशन है यदि फोर्स कोप्लानर एंड कंकरेंट हो तो, ठीक है. इसको यदि यहाँ पर से ये दूसरा कंडीशन है, ये देख लीजिए यहाँ पर से कह रहा है कि कंकरेंट है बट दे आर इन, कहते हैं कि कंकरेंट एंड नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम. कहने का मतलब है इफ फोर्सेस आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट एंड क्या है नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर है. तो कहने का मतलब है कि फोर्स तो कॉन्करेंट है बट नॉन कोप्लेनर है. तो इसके लिए मान लीजिए इस तरह का यदि है कंडीशन, यहां पर से देखिए हम लोग दिखाते हैं, ये वाला जो है इस तरह का यदि फोर्स है, ये मान लीजिए क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस है, ठीक है. अब देखिए यहां पर फोर्स है, एक फोर्स एफ वन है, ये फोर्स एफ टू है, ये फोर्स एफ थ्री है, ऑल फोर्सेस आर
क्या है, कहने का मतलब ये जो है कौन करंट है, बट ऑल फोर्सेस नॉट इन द सेम प्लेन, यानी कहने का मतलब है कोप्लानर नहीं है ऑल फोर्सेस। इस सवाल को यदि इस तरह का फोर्स आता है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो सब फोर्स को रिजॉल्व कर देंगे इन ऑल थ्री एक्सिस, एक्स वाई जेड के अलोंग में एफ वन को रिजॉल्व करेंगे, एफ टू को रिजॉल्व करेंगे, एफ थ्री को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। यदि रिजॉल्व कर देंगे, अब यदि सबसे पहले यही कंडीशन है रिजॉल्व, सबसे पहला है कि रिजॉल्व ऑल फोर्सेस अलोंग द एक्स वाई जेड अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग में एक्सिस के अलावा में रिजॉल्व कर देंगे। अब जो भी है इसमें से कंडीशन कहते हैं हम लोग कि समेशन ऑफ एक्स के अलावा में जो भी इस फोर्स का कंपोनेंट होगा वो जीरो होना चाहिए, और सी में क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो होना चाहिए, और आपका डी जो है ये होगा कि समेशन ऑफ एफ जेड जीरो होना चाहिए, क्योंकि तीनों जो है क्या है नॉन कंकरेंट एंड क्या है कि कंकरेंट एंड नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम है इसमें से लगा हुआ। अब देखिए दूसरा है यहां पर से हम लोग कहते हैं कि तीसरा है नॉन कंकरेंट कोप्लानर फोर्स, नॉन कंकरेंट एंड कोप्लानर फोर्स है, लेकिन क्या है कि कंकरेंट है नहीं, लेकिन वो क्या है नॉन कंकरेंट नहीं है लेकिन कोप्लानर है, ठीक है। क्या है ये जो सवाल है यहाँ पर से, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फिर फ्री बॉडी क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, सभी का डिस्कशन करने के बाद हम आपको इस पर कुछ सवाल बताएंगे। अब देखिए ये जो है दूसरा तीसरा कंडीशन जो था ए बी, और आपको यहाँ पर से तीसरा कंडीशन है कि नॉन कंकरेंट, ठीक है, कोप्लानर फोर्स नॉन कौन नॉन कौन करेंट एंड कोप्लानर है जी फोर्सेस, यदि है तब इसका हम लोग कैसे ये निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये जो है एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है यहां पर ओरिजिन है। मान लीजिए एक फोर्स यहां पर एफ वन लग रहा है, सपोज कीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, ये F2 है। मान लीजिए ये फोर्स जो है, ये फोर्स जो है यहाँ पर से ये F3 है। देखिए सबका पॉइंट ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट एक प्लेन में है, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट अगेन कंकरेंट। तो इस तरह के फोर्स के लिए, सिस्टम के लिए हम लोग जो कंडीशन अप्लाई करते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम, तो पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे रिजॉल्व ऑल फोर्स, रिजॉल्व द फोर्सेस इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, इसको रिजॉल्व कर देंगे सबसे पहले। इसमें दिया रहेगा एंगल सब कितना बना रहा है, क्या वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, या हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये सब दिया रहेगा आपको, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कर देंगे तो क्या होगा यहां पर से, तो सबसे पहला दूसरा जो है यहां पर से ए हो गया। बी में कहते हैं कि इसका जो कंडीशन देखिए, समेशन ऑफ सब रिजॉल्व कर दिए सब फोर्स को, तब देखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और सी जो होगा समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट फोर्स है, एक्स वाई प्लेन में ये फोर्स है, और डी जो होगा कहेंगे समेशन ऑफ एम जेड, यानी कि इस सबका फोर्स का यदि हम मोमेंट लेंगे तो क्या होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा तो क्या होगा वो जेड एक्सिस होगा, इन दोनों के 90 में जो होगा जेड एक्सिस, इसीलिए mz यदि मोमेंट अबाउट ऑल फोर्सेस टेकिंग अलोंग द जेड एक्सिस, तब क्या होगा ये भी जीरो होना चाहिए, तभी ये क्या होगा कि नॉन कंकरेंट एंड कोप्लानर फोर्स का यही कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम है। अब देखिए तीसरा चौथा हो गया यहां पर से कहते हैं कि ये तो हो गया कि इस तरह का है, यदि पैरेलल फोर्स सिस्टम रहेगा, यदि मान लीजिए ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है, कोई बीम है,
ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, ये रिएक्शन आर ए है, ये ए है, ये बी है, तो इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में देखिए आपका ये तो ऑल फोर्स आर क्या है, वर्टिकली लग रहा है, यानी कि अलॉन्ग द वाई एक्सिस में लग रहा है, ये एफ टू हो गया, ये एफ थ्री हो गया, ये रिएक्शन क्या हो गया, आर बी हो गया। तो कहने का मतलब है सभी फोर्स का जो होगा, यदि ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है, फॉर पैरेलल फोर्स सिस्टम है टू, क्या है ये एक प्लेन में है बट नॉट कंकरेंट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एफेक्ट्स में तो कोई कंपोनेंट नहीं है, किस कंडीशन में कंपोनेंट होगा, जब इसका क्या कहेंगे, वो भी यदि फोर्स एंगल से लग रहा है इस बीम पर, ये मान लीजिए एफ फोर है, तब उस कंडीशन में मान लीजिए ये एंगल थीटा फोर है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व करेंगे, तब इस कंडीशन में एफ एक्स जीरो होना चाहिए। लेकिन यदि सिर्फ वर्टिकल फोर्स लग रहा है यहां पर से, ओनली वर्टिकल फोर्स, तो क्या होगा, एफ एक्स तो कुछ है नहीं, तो एफ वाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और सबका जो मोमेंट होना चाहिए अबाउट ए डी, चाहे ए कहिए चाहे बी कहिए, इसी के अबाउट में, यानी कि एम जेड भी जीरो होना चाहिए सही फोर्स का एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये कंडीशंस है कि यदि नॉन कंकरेंट और कोप्लानर फोर्स हो, ये क्या है, एक प्लेन में है, डिफरेंट एंगल बना रहा है, ये क्या है, ऑल आर पैरेलल फोर्स सिस्टम है। और चौथा देखिए यहां पर से है, एक चार नंबर है, ये कंडीशंस है यहां पर से कि यदि इफ फोर्सेस आर क्या कहेंगे, नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन कॉप्लानर क्या है, यदि फोर्स क्या है कि एक प्लेन में नहीं है, कॉप्लानर एक थ्री डायमेंशन में है ये फोर्स, तो इसका जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इजकल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ जेड इजकल टू जीरो, और ये क्या है कि नॉन कॉन्करेंट भी है और नॉन कोप्लानर भी है, तो इसमें से जो हो गया कि आपको ये आपका दूसरा है कि एम एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट में जो मोमेंट होगा वो भी जीरो होगा, मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस भी सभी फोर्स का जीरो होगा, और एम जेड भी जीरो होगा। दीज आर द कंडीशंस फॉर द इक्विलिब्रियम। तो जो परीक्षा में पूछा गया कि कैन अराइव द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर कोप्लेनर फोर्स, ठीक है, कोप्लेनर फोर्स, तो जो इसमें ये क्या है, नॉन कंकरेंट और कोप्लेनर और कंकरेंट क्या पूछेगा, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर से कि समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो, यदि कहेगा नॉन कंकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्स रहेगा तो समेशन ऑफ, जनरली यही आप लोगों को मेरे डिप्लोमा लेवल में है या स्पेयर भी लेवल में हो, ये सवाल है, ये बीटेक लेवल का है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू, और समेशन ऑफ एम एच जेड इक्वल टू जीरो। थैंक यू, बेस्ट, ठीक है। तो आप ये देख चुके ये सवाल, इसके बाद हम बता रहे हैं कि फिर थोड़ा सा और कुछ जो इक्विलिब्रियम का कुछ और रफ हम कुछ आइडिया देंगे इसके बाद वाले क्लास में, ठीक है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।